चार पंक्तियां मैं लक्ष्मीकांत के तेवर की पढ़ना चाहता हूं। हमारे बाराबंकी जनपद के उस्मान मिनाई एक ब्रांड रचनाकार, उन्होंने चार पंक्तियां कही कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। भाई साहब आप भी हाथ खोल के बैठिएगा, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां आमंत्रित करता हूँ। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें वीर रस के श्रेष्ठ कवि भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक जी माइक। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य दादा के आशीर्वाद, बड़े भाई विकास बापू जी के आदेश पर मंच में पुनः उपस्थित हूँ। मेरे सामने मेरे परिवार के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति की उपस्थिति है, दो पंक्ति मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ, इसके बाद काव्य पाठ करूंगा। जहां समन भैया ने खत्म किया अमन भाई ने, वहीं से थोड़ा सा उठाने का कोशिश करूंगा। कि ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसुमा कहते हैं, धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। अमन भैया ने जहां से खत्म किया वहां से थोड़ा सा शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। राममय माहौल आपने तैयार किया कि अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं। दादा अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं, फिर कुछ समय बाद परिणाम आने वाले हैं। आस है मन में, विश्वास है दिल में, वनवास से वापस अयोध्या श्री राम आने वाले। तालियां कमजोर। चार पंक्ति और सोचता हूं, थोड़ा ऊर्जा बढ़ाइएगा, ऊर्जा इसलिए भी बढ़ाइएगा, आपके आंगन का तुलसी आपका बेटा, और बेटे को सबसे ज्यादा प्यार इसलिए दीजिए कि बेटा और तरक्की करे। कि आस लगाए बैठे हैं, अब तिलक की तैयारी करो। आस लगाए बैठे हैं, अब तिलक की तैयारी करो। श्री राम जी के स्वागत की भव्य तैयारी करो। आंसू पोंछ कर भरत बोल उठे शत्रुघ्न से, आ रहे हैं राम भैया राज्याभिषेक की तैयारी करो। आ रहे हैं राम भैया राज्याभिषेक की तैयारी करो। कि राष्ट्र वंदना के गीत गुंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तू, मरे इस देश से तू, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। और कभी बलिदान है तू देश जो पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। और अंतिम चौथी पंक्ति दी आपके दिल पे ठक से लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि कभी बलिदान है तू देश जो पुकारे, कभी माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म के हो, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए, दिल में हमारे सदा देश। बहुत अच्छे भाई, वाह। चार पंक्ति और समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। कि जिंदगी नहीं जिंदगानी चाहिए, जिंदगी नहीं जिंदगानी चाहिए, रगों में बहे देश प्रेम का लहू ऐसी रवानी चाहिए। और देश द्रोहियों में सीना चीर दे ऐसी जवानी चाहिए। न हिंदू न मुसलमान न सिख न पठान, बस दिल हिंदुस्तानी चाहिए, बस दिल हिंदुस्तानी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग, बहुत धन्यवाद। जब आप जैसे लोग अपने घर के लोग बैठे हों, और जब कोई व्यक्ति बोले इस देश का खाए, इस देश का पिए, इस देश में रहे, इस देश से जनता उसको सांसद भी बनाए, लेकिन जब बोलता है कि भारत मेरे मुंह पर, मेरे जुबा पर छुरी रख दो, फिर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूं। एक ऐसा भी व्यक्ति है, चार पंक्ति सौंपता हूं और उसको जवाब देता हूं, इशारों में सौंपता हूं। निर्भीक भाई स्वागत है, आशीर्वाद दीजिएगा। कि राह कठिन हो भले ही, मगर चलना पड़ेगा। हवाएं चले चाहे जिधर भी, सांसद बनाया है जनता ने उनको। हवाएं चले चाहे जिधर भी, दीपक हो चलना पड़ेगा। अरे वैसी कान खोल कर सुन ले तू, तू क्या तेरे अब्बा को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा।
चार पंक्ति में जवाब भी दिया कि चार पंक्ति में जवाब दिया और कि गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर ताल और लय हो। जवाब क्या था? गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर ताल और लय हो, सूरज के किरणों से चहुओर दृश्य भगवान मैं हो, और राम के जैसा त्याग राधा कृष्ण का प्रेम हो। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पूज्य दादा तक हमें पहुंचना है। एक अपने प्रतिनिधि कविता सुनाना चाहता हूँ, आप सबको सौंपना चाहता हूँ। मातृशक्ति बैठी हुई है। इस बीच हम देखते हैं देश में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश और दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। हमारी माताएं बहनों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। मैंने एक कविता बेटी के ऊपर लिखा है जो बहुत वायरल है। स्वागत है। चार पंक्ति सौंपता हूं। माताएं बहनें आशीर्वाद देंगी कि जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। बिटिया क्या होती है? चार पंक्ति में सौंपता हूं। जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। और पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए उसे कहते हैं बिटिया। तब मैंने कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी चाहिए। वाह, बहुत धन्यवाद।